सबसे पहले जय बजरंग बली। मैं हनुमान भक्त कुमकुम बिनवाल बड़े दुख से कहती हूँ कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई को सनातन धर्म के खिलाफ बताया जा रहा है, इसलिए हमारे जैसे पत्रकारों को भी अब बताना पड़ रहा है कि हम भी हनुमान भक्त हैं और सनातनी हैं। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री से कुछ लॉजिकल सवाल क्या पूछे, धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले कुछ लोग इसे धर्म की अस्मिता की लड़ाई बनाने में जुट गए हैं। इस लिस्ट में ताजा नाम जुड़ गया है बाबा रामदेव का। बागेश्वर धाम वाले बाबा के सपोर्ट में आते हुए बाबा रामदेव ने कहा, मैं मीडिया के लोगों को ज्यादा फोन नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो। ये सच है जो दिख रहा है और जो आंक रहा है वो 1% है। आप लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। कुछ पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री पर टूट कर पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। अरे रामदेव जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी को आप इन सब के बीच में प्लीज मत लाइए। प्लीज हमारे जैसे असंख्य सनातनियों को अपने इष्ट से जुड़ने के लिए किसी बाबा की जरूरत नहीं है। हर चीज हनुमान जी पर लाकर बहस को अलग मोड़ देने की कोशिश मत कीजिए, या फिर ये मोड़ देने की कोशिश मत कीजिए जिसमें बहस ही ना हो, सवाल ही ना पूछे जा सके। क्योंकि हनुमान जी के नाम पर अगर कोई कुछ भी करे उस पर सवाल हम पूछेंगे। आप बाबा रामदेव के बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा के सपोर्ट में आने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।